दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि आज दुनिया की तीन सबसे बड़ी कंपनीज गूगल, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट तीनों के सीईओज भारतीय मूल के हैं और यहीं पैदा हुए हैं। जहां एक तरफ हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर हमें ये भी चिंता करने की जरूरत है कि अगर इन लोगों में इतनी प्रतिभा थी तो भारत में इन्हें वो मौके क्यों नहीं मिल पाए और आखिर क्यों इन्हें अपना देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा। आज न सिर्फ भारत से इस तरह के टैलेंट बाहर जा रहा है बल्कि अमीर लोग भी धीरे धीरे भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। साल 2014 से 2017 के बीच करीबन 1700 मिलियनेयर्स जिनकी संपत्ति 7 करोड़ से ज्यादा है वो भी भारत छोड़कर विदेश चले गए हैं और उन्होंने किसी और देश की नागरिकता ले ली है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियां लॉकडाउन से पहले सालाना भारत के बजाय भारत से बाहर नए नए निवेश कर रही थी और सालाना 1,00,000 करोड़ रुपए भारत से बाहर जा रहा था। पर ऐसा क्यों हो रहा है और इन लोगों के भारत छोड़ने के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों एक डेटा के मुताबिक सिर्फ 2015 से अब तक करीब 8,00,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है, यानी हर साल 1,00,000 से भी ज्यादा लोग अपनी नागरिकता को त्याग देते हैं। भारतीय लोगों में से आज भी ज्यादातर लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। आज भारत के लगभग 10,00,000 लोग दुनिया भर में 85 अलग अलग देशों में पढ़ रहे हैं। इसमें से करीब आधे लोग अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में पढ़ने के लिए गए हैं। इनमें से ही ज्यादातर लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने के बजाय वहीं काम करना ज्यादा पसंद करते हैं और वापस नहीं लौटते। अब ये कहना तो बहुत आसान है कि भारत की शिक्षा नीति खराब है इसलिए लोगों का बाहर जाना लाजमी है, लेकिन सिर्फ इतना कहने से ही काम नहीं चलेगा। हमें परेशानी की जड़ तक पहुंचना होगा। शिक्षा नीति में कहां सबसे ज्यादा परेशानी है ये अंकित करना बहुत जरूरी है, वरना फिर कोई उठकर कह देगा कि भारत में आईआईटी भी तो है जहां से पढ़ के सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बन गए। ये सच है कि भारत में आईआईटी जैसे संस्थान है, लेकिन भारत में जो मूलतः कमी है वो इनोवेशन और ओरिजिनल थिंकिंग की। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिन कंपनीज के सीईओ की हमने बात की उनकी शुरुआत किसी अमेरिका ने की थी जिसके मन में बस एक आइडिया था और उस आइडिया को लेकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार था। भारत की शिक्षा नीति आपको खुद के बारे में सोचना और खुद की सोच को प्राथमिकता देना दोनों ही नहीं सिखाती है, जिस वजह से भारत दुनिया भर में अच्छे एम्प्लॉयज तो एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन अच्छे बिजनेस लीडर्स नहीं। भारत में नौकरी को लेकर दौड़ और नए स्टार्टअप्स और बिजनेसेस का अभाव दोनों ही इन बाहर पढ़ रहे बच्चों को वापस भारत आने से रोकते हैं। नए आइडियाज की यूएस जैसे डेवलप्ड देशों में बहुत कदर है जिस कारण वहां की कंपनियां इन लोगों को लुभाती हैं। दूसरा फैक्टर जिस वजह से लोग भारत से बाहर के देशों में पलायन कर रहे हैं वो है पैसा। भारत अब भी पर कैपिटा इनकम के मामले में काफी पीछे है, तो ऐसे में जो सक्षम है ऐसे लोग भारत में क्यों रहेंगे जब अमेरिका में एक आईटी प्रोफेशनल को भारत से दोगुनी सैलरी मिल रही हो। सिर्फ आईटी क्यों, मैनेजमेंट में काम कर रहे लोगों को भी भारत से 3 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं और कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सैलरी भी यहाँ के मुकाबले अमेरिका में 5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा ये बात तो माननी पड़ेगी कि भारत में विदेश में मिलने वाली शिक्षा का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दुनिया की 500 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें केवल 4 ही भारतीय यूनिवर्सिटीज का नाम आपको मिलेगा और टॉप 100 में तो इस वक्त एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर भारत में शिक्षा नीति बेहतर हो, इनोवेशन के लिए मौके पैदा हो और यहाँ के समाज में उसका स्वागत होने लगे तो ये भी मुमकिन है कि यहाँ की कंपनियों में काम करने के लिए लोग बाहर से आने लगेंगे। हालांकि इसके भी कुछ पॉजिटिव साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं। 2015 में जहां हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक 81 थी, वहीं भारत आज एक बड़ी छलांग मारकर इस वक्त 81 से 46वें स्थान पर आ गया है, जो भविष्य में और बेहतर होने की संभावना है। इसके अलावा विकसित देशों में कई सारे काम करने के लिए हमेशा लेबर की जरूरत रहती है, लेकिन वहां के लोग अब वो काम नहीं करना चाहते, यानी वहां पर काम है लेकिन लोग नहीं है। वहीं भारत की जनसंख्या और भारत की बेरोजगारी दर भी भारत को ऐसी सिचुएशन में रख देती है जहां से भारतीयों के लिए विदेश में जाना दोनों ही पार्टियों के लिए फायदे का सौदा रहता है। साथ ही विदेशों में कम वर्किंग आवर्स, हेल्थ और बाकी जॉब बेनिफिट्स भी इन वर्कर्स के लिए एक बड़ा आकर्षण है। ये तो रही स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोगों की बात, लेकिन भारत से बाहर जाकर वहां बसने वालों की संख्या यहाँ तक ही सीमित नहीं है। कई सारे भारतीय मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स ने भी हाल ही के कुछ सालों में भारत को छोड़ दूसरे देशों में जाने का फैसला किया है। ये ध्यान रखिए,
यहाँ विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू के मुताबिक 2020 में भारत के 5000 मिलियनेयर्स ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और इसके साथ ही भारत के कुल मिलियनेयर्स में 2% की गिरावट आ गई। अगर इधर इसी तरह से बढ़ती रही तो अगले 50 साल में सभी भारत के मिलियनेयर्स यहाँ से विदेश जा चुके होंगे। पैसे वाले लोगों के भारत से पलायन के कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें से पहला है टैक्स से बचना। ज्यादातर लोग अपने पैसे के साथ ऐसी जगह बसना पसंद करते हैं जहां उन्हें कम टैक्स देना पड़े। इसी में एक कड़ी ये भी जोड़कर आती है कि इस वक्त कई भारतीय बिजनेस विदेशों में एक्सपेंड कर रहे हैं और किसी और देश की नागरिकता होना इन बिजनेसेस को वहां जल्दी एस्टैब्लिश होने में मदद कर सकता है। टाटा जैसी कंपनी का आज 60% रेवेन्यू इंडिया से नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों से आता है। मजेदार बात तो ये है कि टाटा ग्रुप के रतन टाटा खुद भी अमेरिका में पढ़ते थे और विदेश में ही सेटल होना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त पर अपनी दादी के बुलावे पर उन्हें भारत लौटना पड़ा। बिजनेस के लिए दुनिया के कई देश भारतीयों के लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं और कई देश हमें लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सिंगापुर जैसे कई देशों में ये नियम है कि अगर आप एक तय रकम उस देश के किसी बैंक में डालते हैं तो आपसे बिना कोई सवाल किए आपको वहां की नागरिकता दे दी जाएगी। इस तरह के ऑफर्स के चलते भी भारतीय लोग इन देशों में शिफ्ट हो जाते हैं। बिजनेस के अलावा अमीर लोगों के दूसरे देशों में जाने का कारण लाइफस्टाइल और हेल्थ से रिलेटेड भी है। आज मुंबई और दिल्ली जैसे महानगर प्रदूषण के मामले में दुनिया की कई लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। यहाँ पर रह रहे ज्यादातर एलीट क्लास के पास इससे निजात पाने के दो ही तरीके हैं। पहला है शहर से दूर किसी ऐसी जगह पर जाकर रहना जहाँ शांति हो, या फिर दुनिया के किसी दूसरे शहर का रुख करना। काम के कारण आज के वक्त में शहर से दूर रहना तो मुमकिन नहीं है, इसी वजह से लोग भारत की जगह दुनिया के किसी दूसरे शहर में बसने का ख्याल करते हैं। एक और चीज जो कई लोग रेखांकित करना भूल जाते हैं वो ये है कि भारत छोड़कर जाने वाले ज्यादातर लोग अपनी भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ना चाहते, बस वो दूसरे देश की नागरिकता चाहते हैं। भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप पर मनाही होने की वजह से ही इन लोगों को भारत की नागरिकता छोड़कर इन देशों की नागरिकता लेनी पड़ती है। अगर भारत में आगे चलकर इस नागरिकता के कानून पर भी कोई नया फैसला आता है तो हो सकता है कि हम तेजी से बढ़ते इस पलायन को रोक पाएंगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमें लाइक करके जरूर बताएं आपको क्यों लगता है कि भारत से लोग इतनी तेजी से दूसरे देशों में जा रहे हैं और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।